किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी और पावर आउटपुट। तो हमने क्या बोला था कि जो हम एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके अक्रॉस जितनी पावर आती है वो सभी की सभी हम कहते हैं पावर आउटपुट। और उस सर्किट के लिए हमने एफिशिएंसी डिफाइन कर दी थी, क्या बोल दिया था, एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट हो जाती है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे थे, एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। दो ग्राफ भी हमने देखे थे, क्या अगर हम एफिशिएंसी का ग्राफ बनाएं, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो हमने देखा था कि एफिशिएंसी तो कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो एफिशिएंसी ऑफ सर्किट बढ़ती जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ सर्किट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पावर बैटरी इनपुट दे रही होगी उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा आपके रेजिस्टेंस को मिल पा रही होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से तो एफिशिएंसी ऑफ सर्किट बढ़ती रहती है, हमने देख लिया था। और हमें ये पता लगा था कि जब आप बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल अगर सारे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखते हो तो फिर एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 50% आ जाती है। लेकिन अगर आउटपुट पावर की बात की जाए, अगर हम पावर आउटपुट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला था। यानी कि आउटपुट पावर जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो पहले तो बढ़ता रहता है और जाके वो मैक्सिमम हो जाता है, कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के। समझ आ रही बात, उस समय पे मैक्सिमम कैसी हो जाएगी, पावर आउटपुट। उससे ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो ये देखा जाता है कि आउटपुट पावर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ऑल्दो एफिशिएंसी बढ़ रही होगी। तो हमने ये देखा था कि जब आउटपुट पावर एफिशिएंसी भले ही बढ़ रही है, यानी कि बैटरी अगर 1 वोल्ट दे पा रही है तो उसका 90% मिल रहा होगा सर्किट में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। यहां बैटरी अगर 100 वॉट भी दे रही है, ठीक है ना, और उसका 50% मिल रहा है तो वो कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। यानी कि मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशन हम किसे बोल देते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन सर्किट के लिए आप बता सकते हो क्या हो जाएगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए 6 ओम का रेजिस्टर है ऊपर, इस सर्किट के लिए आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना है, 5 ओम है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम भी कितना हो जाना चाहिए, 5 ओम हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो एक्स और 6 किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6x/6+x, और इसके साथ सीरीज में 3 ओम है तो +3, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, 5। यहां से आप x निकालोगे, x आपको मिल जाएगा कितना, 3 ओम। यानी कि x की वैल्यू 3 ओम जब होगी तब पावर आउटपुट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देख लेते हैं, x जब 3 ओम होगा उस समय पर सर्किट में करंट कितना होगा, तो करंट हो जाएगा बैटरी का EMF 10/ टोटल रेजिस्टेंस, ये सब मिलके 5 हो गया है, तो 5 और 5 सीरीज में यानी कि 10, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा बैटरी से। पावर आउटपुट आप जानते हो क्या हो जाता है, पावर आउटपुट हो जाएगी I² × R external, जो भी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो 1² × External resistance हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल है, यानी कि 5 ओम। यहाँ पे पुट करेंगे, पावर आउटपुट हमें मिल जाएगी 5 वॉट, यानी इस सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर आउटपुट पॉसिबल जो है वो है 5 वॉट। क्लियर हुआ, इसकी जो पावर डिसिपेटेड है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, पावर आउटपुट में सिर्फ आप बाहर वाले जो रजिस्टर्स हैं उनकी पावर को काउंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे आपको डायग्राम दिख रहे हैं, उन क्वेश्चन में हमें बताना है एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट क्या है। ठीक है ना, ट्राई करो जल्दी से, आपको करंट निकालना है बस, तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, आर इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आ जाएगा, 3 और 3 हो गया 6, और 6 और 6 पैरेलल में हो गया 3। ठीक है, तो यहां से दिख भी रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल की इक्वल है तो एफिशिएंसी 50% आनी चाहिए, पर निकाल लेते हैं, तो ये 3 और ये 3 किसमें हो गए, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट आपको मिल गया कितना, 6 ओम। करंट इन सर्किट आ जाएगा आपका 10/6, यानी कि 5/3 एम्पियर। अब सिंपली हम यहां से निकाल सकते हैं इनपुट पावर, इनपुट पावर हो जाता है EMF इनटू करंट, तो वो हमें मिल जाएगा 10 × 5/3, यानी कि 50/3 वॉट पावर इनपुट है। पावर आउटपुट की हम बात करें, पावर आउटपुट हो जाता है I² × R external,
आई आपको मिल चुका है 5/3 का स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फिर से 3 ओम है, समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा 25/3 वॉट, ठीक है ना। यहां से आप एफिशिएंसी अगर निकालोगे, एफिशिएंसी निकाल देते हैं, वो हो जाएगी पावर आउटपुट यानी कि 25/3 अपॉन पावर इनपुट यानी कि 50/3 इंटू 100 यानी कि 50%, जो कि आनी भी चाहिए थी। तो एफिशिएंसी तो कितनी आ गई, 50% आ गई, और आउटपुट पावर कितनी आ गई, 25/3 वॉट आ गई। तो देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट 4 और 4 पैरेलल में 2 हो गया, 2 2 2 सीरीज में 6 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ चुका है। करंट इन सर्किट भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 10/ ये 6 आ चुका है और ये 4 ओम, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट अगर ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल आया था हमारा 6 ओम, इस 4 को भी जोड़ लेते तो कितना हो जाता, 10 ओम हो जाता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट आ जाएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से। इनपुट पावर देख लो, E इंटू आई यानी कि 10 × 1 यानी कि 10 वॉट। आउटपुट पावर देख लेते हैं, आई स्क्वायर आर जो कि हो गया 1 का स्क्वायर × R एक्सटर्नल 6 ओम यानी कि 6 वॉट। एफिशिएंसी सिंपली बता सकते हो आप, 6 अपॉन इनपुट है 10 × 100 यानी कि 60%। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि n रेजिस्टर्स एक ब्रांच के अंदर हैं और ऐसी m ब्रांचेस हैं जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इस पूरे सेटअप को ई वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाया गया है। तो आपको बताना है अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आर जो कि है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी में, बताओ जरा। तो बड़ा ही सिंपल सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का आपको पता है स्मॉल आर है, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो ऐसे एन रेजिस्टर्स यहाँ पे हैं एक ब्रांच के अंदर और ऐसी एम ब्रांचेस हैं, ठीक है ना भाई। तो एन रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे, अगर एन आर रेजिस्टर्स सीरीज में हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उनका इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा सिंपली एन आर, क्योंकि आर रेजिस्टर सीरीज में है। और ऐसी m ब्रांचेस हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, r इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा n r बाय m। तो r इक्वल हो जाना चाहिए किसके, n r बाय m के, समझ आई बात। ये हमारे पास क्या आ गई रिलेशन, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। तो यहां से हम लिख सकते हैं कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई है, कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी m r बाय n, ठीक है ना। तो अब सर्किट आपका कैसा बचेगा, बाहर पूरा रेजिस्टेंस आ चुका है एक आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये हमारी बैटरी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ आ रही है बात। तो ये तो आपके पास आर है और ये भी पूरा मिलके क्या हो रहा होगा, आर ही हो रहा होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। और ये ई ईएमएफ है बैटरी, पावर आउटपुट हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर एक्सटर्नल जो कि स्मॉल आर ही है, आई स्क्वायर कर दो ई स्क्वायर बाय 4R² × R यानी कि ई स्क्वायर बाय 4R, ठीक है ना। बल्ब का सिंबल पहले तो आपको कुछ कैसा दिख जाएगा, ऐसा बल्ब का सिंबल दिख सकता है आपको बुक्स में, या फिर एक फिलामेंट शो कर दिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से बना देते हैं, ये भी क्या हो जाता है, एक बल्ब हो जाता है। अब हर बल्ब के ऊपर कुछ रेटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक तो होती है उसकी रेटेड पावर और एक होता है उसका रेटेड वोल्टेज। तो कोई भी बल्ब अगर आप लेके आओगे तो एक तो उसकी पावर रेटेड रहेगी उसके ऊपर और एक उसका वोल्टेज रेटेड रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि 100 वॉट और 220 वोल्ट, तो हमारे घर में अब तो कोई बल्ब यूज करता नहीं है, लेकिन एक जमाने में जब बल्ब यूज करते थे तो ऐसे ही बल्ब आते थे, 40 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का बल्ब आता था, और 220 वोल्ट की सप्लाई क्योंकि हमारे घरों में आती है तो इस तरह से बल्ब को शो किया जाता है, उसके ऊपर ये सब लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट कर दोगे तो ये 100 वॉट की पावर देगा। 100 वॉट की पावर देने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस बल्ब के अक्रॉस अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आपने क्रिएट कर दिया है तो ये 100 जूल एनर्जी एक सेकेंड में यूज करेगा, समझ आ रही है बल्ब। तो इस तरह से बल्ब की क्या होती है, रेटिंग होती है। अच्छा, क्या ये बल्ब हमेशा 100 वॉट देगा, नहीं। तो इसकी पावर डिपेंड करेगी कि आपने कितना वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस लगाया है। अब जैसे कि आप जाओ
ट्रेन वगैरह में अगर आप सफर कर रहे हो और आपके पास कोई डिवाइस है, लैपटॉप या मोबाइल, ठीक है ना, उसे आप चार्जिंग में लगाते हो, तो आप देखोगे कि उतनी तेजी से वो चार्ज नहीं हो सकता। क्यों वो उतनी तेजी से चार्ज नहीं होगा? क्योंकि ट्रेन के अंदर जो सप्लाई हमें वोल्टेज की मिलती है वो 110 वोल्ट मिलती है। तो जब वोल्टेज आपने आधा कर दिया है तो पावर को भी क्या होना पड़ रहा होगा? उसके हिसाब से कम होना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये जो रेटेड पावर होती है, इसका मीनिंग सिंपली ये होता है कि अगर आप 200 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, यानी रेटेड वोल्टेज इस बल्ब को दे रहे हो, तभी वो क्या दे सकता है? रेटेड पावर दे सकता है। दूसरी चीज, ब्राइटनेस पावर से कैसे रिलेटेड है? तो हम ये कह सकते हैं कि जितना पावर आउटपुट ज्यादा होगा उतना ब्राइट आपका बल्ब जलेगा। समझ आ रही बात? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात यही कि अगर वोल्टेज कम दिया जाएगा तो पावर आउटपुट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस बल्ब के लिए एक चीज फिक्स रहती है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट फॉर अ बल्ब। हम ये कह देते हैं क्या कॉन्स्टेंट रहता है? वो है रेजिस्टेंस। एक बार किसी ने बल्ब बना दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? फिक्स हो गया। ऑल्दो अब अगर उसमें हीट ज्यादा जनरेट हो रही है तो टेम्परेचर चेंज के कारण हम जानते हैं रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज क्या है? नेग्लिजिबल है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे, आपको पता है आउटपुट पावर चेंज होती रहेगी, लेकिन अलग अलग वोल्टेज लगाने पर रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता, ठीक है ना। तो रेटेड में हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि पावर आउटपुट ऑब्वियसली क्या होगी? वी स्क्वायर बाय आर, यानी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है जो कि फिक्स रहने वाला है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू हो जाती है वी स्क्वायर बाय पी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं रिलेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि ये क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट। तो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग पावर आउटपुट कैसा आएगा ये आप लिख सकते हो। आप कह सकते हो वी वन स्क्वायर बाय पी वन, ये इक्वल होगा वी टू स्क्वायर बाय पी टू, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर कुछ अननोन है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया? तो अब इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तीन बल्ब दिए हुए हैं ए बी और सी, उन्हें इस तरह से सर्किट में लगाया गया है। आपको उन्हें ब्राइटनेस के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा जलेगा पहले वो लिख दो, फिर उसके बाद किसकी ब्राइटनेस होगी, फिर उसके बाद किसकी ब्राइटनेस होगी, यानी कि ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? ठीक है भाई, तो आपको बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। बेसिकली किसकी ज्यादा पावर होगी आप ये देख सकते हो, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा देख लेते हैं, जहां करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, बेसिकली पावर आउटपुट जो होगी किसी भी रेजिस्टेंस की, उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। अब सबका रेजिस्टेंस तो सेम है, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी जिसका करंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जिस रेजिस्टर में ज्यादा करंट जा रहा है उसकी पावर आउटपुट भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। मैं मान लेता हूं यहां से आई करंट आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर और आर मिलके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और जबकि यहाँ क्या है? आर है। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, यानी जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां कम करंट जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां ज्यादा रेजिस्टेंस है तो यहाँ करंट कम जाने वाला है। तो मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पे आई वन गया है और यहाँ पे करंट आई टू गया है, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि आई वन छोटा होगा आई टू से, यानी बी और सी की ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी ए के कंपैरिजन में, और क्योंकि बी और सी में सेम करंट जा रहा है तो दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी? सेम होगी। तो आप क्या कह सकते हो? सिंपली कि ए की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी, और वो इक्वल होगी किसके? सी के। तो इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चन हमें करने होते। समझ आए? अगर क्लियर हो गया तो बी और सी का आंसर बता दो। आंसर देख लेते हैं जरा। बी और सी, बी पार्ट में आप देख सकते हो फिर से वही सिचुएशन हो रही है। मैं मान लेता हूं कि बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है? आई करंट निकल रहा है, तो वो करंट यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। मैं मान लेता हूं इसमें कुछ करंट जाता है आई वन और इसमें कुछ करंट जाता है आई टू, तो हम देख सकते हैं ए और बी में तो क्या जाने वाला है? सेम करंट जाने वाला है, ठीक है ना, और सी में अलग करंट जा रहा है। फिर ये सारा करंट घूम के जब आएगा तो डी को तो पूरा का पूरा करंट मिलने वाला है आई। तो यहाँ पे हमें साफ दिख सकता है कि मैक्सिमम करंट किसके अंदर जा रहा है? डी के अंदर जा रहा है, तो डी की ब्राइटनेस तो सबसे ज्यादा होने वाली है। उसके बाद अब हमें देखना है सी और ए बी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R है,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, ज्यादा करंट कहाँ जाएगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा। कम रेजिस्टेंस कहाँ है, सी में, तो यहाँ पे ज्यादा करंट क्या होगा, यानी इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी ए और बी से। और क्योंकि ए और बी सीरीज में है तो उनमें सेम करंट जा रहा है, यानी कि उनकी ब्राइटनेस क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली। तो ये आंसर आएगा हमारा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू बी। काफी लोगों का सही है। सी पार्ट और कर लेते हैं, जरा बताओ सी का क्या आंसर आएगा। ठीक है, वही मानूंगा मैं, फिर से आई करंट निकल रहा है बैटरी से, है कि नहीं? तो यहां से आई करंट निकाल दो। अब ये आई करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते में जीरो रेजिस्टेंस है और एक में कुछ रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली सारा करंट कहां से फ्लो कर जाएगा, इस रास्ते से, या इसी को हम क्या बोलते थे, शॉर्ट सर्किट। तो जो हमारा बल्ब डी है वो तो क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, यानी वो तो जलने ही नहीं वाला है, तो ब्राइटनेस की तो बात ही अलग है। फिर जब करंट यहां पे पहुंचेगा तो यहां से अब उसके पास दो रास्ते हैं, फिर से वही बात, एक कुछ करंट चला जाएगा सी में और बचा हुआ करंट चला जाएगा ए और बी में। हम साफ देख सकते हैं फिर से ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R होगा और यहाँ सी का रेजिस्टेंस R है, तो जहां कम रेजिस्टेंस वहां ज्यादा करंट, यानी सी ब्राइटनेस ज्यादा होगी ए और बी से। सारा करंट घूम के वापस आएगा तो ई में से ही पास होगा, यानी ई की ब्राइटनेस तो क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, तो ई सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं सी आने वाला है, उसके बाद ए और बी इक्वल होंगे और ये भी ज्यादा होंगे किससे, डी से, क्योंकि डी की तो ब्राइटनेस 0 है, या पावर आउटपुट क्या है, 0 है। अगर रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स को आप सेम पॉइंट से ज्वाइन कर देते हो तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंड है और यहाँ पे जो एंड है वो सीधे सीधे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, यानी इस रेजिस्टर का कोई यूज नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। समझ आए? कोई भी रेजिस्टर अगर आपको दिया हुआ है, ऐसे कहीं पे भी रेजिस्टेंस बनाया है, उसके एक कोने को अगर कंडक्टिंग वायर से दूसरे कोने से जोड़ दें, तो ऐसा सोच लो ना, ये रेजिस्टेंस इस पॉइंट को नाम ए दें तो ये पॉइंट भी ए हो गया, तो ये रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में है, ए और ए के बीच में मतलब ये है ही नहीं, तो वो यूजलेस हो जाता है सिंपली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कर लेते हैं बल्ब्स के ऊपर, तो वही ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग ये है कि वो 220 वोल्ट को ऑपरेट करता है और 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, अब मान लो आप विदेश गए हो और आप अपना बल्ब अपने साथ ले गए हो और वहां पे आप बल्ब को लगाते हो, ठीक है, तो उसकी आउटपुट पावर आपको कितनी मिलने वाली है, हमें ये बताना है। अगर उस देश में आपको जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, मान लेते हैं 110 वोल्ट, ठीक है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सिंपली, बस क्या V1 स्क्वायर बाय P1, ये होगा V2 स्क्वायर बाय P2, क्योंकि बल्ब आप भारत से लेके गए हो तो रेजिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, लिख देते हैं 220 का स्क्वायर बाय पावर थी 100, ये होना चाहिए 110 का स्क्वायर बाय पावर है पी, तो आपको वहां पे जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 25 वॉट, यानी कंजूसी करने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाके बल्ब जलेगा ही नहीं, बहुत कम जलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम कह रहे थे इलेक्ट्रिक केटल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक केटल में भी आपको ये समझना है कि सिंपली क्या होता है, एक रेजिस्टर होगा और जब आप उस केटल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप लगाते होगे तो उसमें कोई करंट जाता है। ठीक है ना, करंट जाने की वजह से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो उसमें हीट जनरेट होती है, हीट हमें पता है कितनी हो जाती है, I² × R, इतनी हीट जनरेट हो रही होती है पर सेकेंड, क्योंकि ये हमने क्या निकाल लिया है, पावर निकाल ली है हमारी केटल की। ठीक है ना, अब आप इसके ऊपर अगर कोई बर्तन वगैरह रख देते हो, उसमें पानी वानी रख देते हो बॉयल करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी हीट पर सेकेंड इस रेजिस्टर से जो जनरेट हो रही है वो आपके कंटेनर में जा रही होगी। ठीक है, तो किसी भी टाइम टी में जो हीट आपके कंटेनर को मिल रही होगी उसे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं I² R × T। समझ आ रहा है, I² R × T हो जाएगी हीट सप्लाइड बाय द केटल टू द कंटेनर। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू कॉइल्स, यानी इसमें दो कॉइल्स हैं। जब सिर्फ ए कॉइल को यूज कर रहे हैं तो चाय बनाने में 10 मिनट लगते हैं, और जब सिर्फ बी कॉइल को यूज कर रहे हैं तब चाय बनाने में 15 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगेगा अगर हम दोनों कॉइल्स को यूज करें, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। देख लेते हैं हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन क्या क्या है। पहले आपको क्या दिया हुआ है,
कि अगर सिर्फ आप ए को यूज करते, यानी सिर्फ आप आर वन को यूज करते, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर वन जब आपकी पावर आउटपुट होती, तो इंटू टाइम कितना लगा है, 10 मिनट, तो आपको टोटल हीट मिल गई है कितनी, क्यू। बात समझ आ रही है? और जब हमने सिर्फ यूज किया है किसे, आर टू को, तब हमें टाइम लगा है कितना, 15 मिनट, और तब भी टोटल हीट हमें कितनी मिल गई है, क्यू। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि अगर सिर्फ कॉइल ए को आप यूज करते हो जिसका रेजिस्टेंस मैंने आर वन माना है, तो फिर टाइम लगता है 10 मिनट, तो मैंने पावर इंटू टाइम कर दिया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्यू के। सिमिलरली दूसरे केस में सिर्फ आप अगर बी को यूज करते हो, यानी वी स्क्वायर बाय आर टू, 15 मिनट में टोटल हीट आ गई आपके पास क्यू। बात समझ आई? अब अगर हम यूज कर रहे हैं सीरीज के अंदर, तो सीरीज के केस में क्या हो जाएगा, सीरीज के केस में आप कह सकते हो कि टोटल पावर जो आपको मिलने वाली है वो कितनी हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी आपके पास बी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर वन प्लस आर टू। और अब आपको टोटल हीट कितनी चाहिए, वापस से क्यू ही हीट चाहिए, तो टोटल हीट को मैं इक्वल कर सकता हूं वी स्क्वायर बाय आर वन प्लस आर टू इंटू, अब जो टाइम दोनों को हम यूज कर रहे हैं तब लगेगा टी, ये टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं R1 और R2 को पुट कर देता हूं किसके टर्म्स में, Q के टर्म्स में। ठीक है ना, यहां से क्या मिलेगा, देखो पुट करोगे तो यहां से मिलेगा वी स्क्वायर टी बाय R1 और R2 का, अगर हम पुट करें तो हमें यहां से मिल जाएगा R1 की वैल्यू जो कि होगी 10 वी स्क्वायर बाय क्यू, ठीक है ना, प्लस R2 की वैल्यू पुट करें तो 15 वी स्क्वायर बाय क्यू। इसे बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, वी स्क्वायर कट गया, क्यू क्यू भी क्या होगा, कट जाएगा। आप देख सकते हो आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 25 मिनट्स। यानी कि सीरीज में अगर आप कॉइल्स को यूज कर रहे हो तो हमें कितना टाइम लगने वाला है, 25 मिनट टाइम लगने वाला है। समझ आ रही है बात, किसी को कोई डाउट सीरीज में जो किया है हमने? तो यहां से हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया सिंपली, आप जो यूज कर सकते हो डायरेक्टली, कि कॉइल्स को अगर सीरीज में यूज किया जा रहा है, कॉइल्स अगर सीरीज में यूज किया जा रहा है तो टाइम रिक्वायर्ड जो होगा किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए, वो सिंपली क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू, अगर आपने दो कॉइल्स को सीरीज में यूज किया है तो। समझ आ रही है बात? तो अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। निकाला हमने कैसे, मैंने इंडिविजुअली पहले आर वन आर टू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली क्यू और वी के टर्म्स में, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर दिया, हीट इंटू टाइम। क्लियर हुआ क्या? सिमिलरली आप कर सकते हो किसका, पैरेलल का। पैरेलल में क्या आ जाएगा देख लो, ठीक है, पैरेलल के लिए अगर हम करना चाहें, पैरेलल में हम क्या लिख सकते हैं, अब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, अब आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना, तो फिर से कर दो क्यू बराबर वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू इंटू जो टाइम लगेगा, आप कुछ टी टू बोल देता हूं मैं उसे। समझ आ रही बात? पुट कर देते हैं सबको, तो क्यू बराबर हो गया आपका वी स्क्वायर बाय आर वन आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर 10 वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू 15 वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू 10 वी स्क्वायर बाय क्यू प्लस 15 वी स्क्वायर बाय क्यू। इसे सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा इंटू हमारा टी टू जो भी है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से सॉल्व कर सकते हो, कितना आ रहा है, ये ऊपर 25 हो गया, नीचे 150, यानी कि 6, वो कितना आ जाएगा, 6 मिनट्स। या अगर हम फॉर्मूला बना, पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपली क्या आ जाएगा, अगर कॉइल्स इन पैरेलल दी गई है तो आप यूज कर सकते हो कि टाइम जो आने वाला है वो आ जाएगा आपके पास टी वन टी टू बाय टी वन प्लस टी टू, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वही किसका आ जाता है, टाइम का फॉर्मूला आ जाता है। इस तरह से भी याद रखा जा सकता है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। मैंने किया क्या, पहले मैंने इंडिविजुअली उनको रेजिस्टेंस फाइंड किया उनका, और उसके बाद सिंपली टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाता है, पावर इंटू टाइम से निकाल दिया। पैरेलल में दोनों को ज्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा, दोनों को ही 220 220 वोल्ट मिल रहा होगा, तो दोनों अपनी ज्यादा पावर दे रही होंगी,
सीरीज में तो दोनों कॉइल्स को 110 110 मिलेगा अगर आइडेंटिकल हैं तो वो मैक्सिमम अपनी पावर आउटपुट नहीं कर पाएंगी, समझ आ रही बात। पैरेलल में तो आप जो प्लग लगाओगे तो हर एक कॉइल के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आएगा क्योंकि वो पैरेलल में, तो ऑब्वियसली वो लोग मिलके ज्यादा पावर जनरेट करेंगे। ठीक है ना, एक और छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, जिसे बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस पे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, पर आ जाता है तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको जब भी बिल कैलकुलेट करना है उसके लिए आप यूज करोगे सिंपली कि एनर्जी यूज क्या हो जाएगी। आपके पास अगर अप्लायंसेज हैं तो वो कितनी एनर्जी टोटल यूज कर रही होंगी, तो वो सिंपली क्या हो जाती है, उनकी रेटेड पावर इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पावर क्या हो जाती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर हमारे पास 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 वॉट के बल्ब का मतलब हुआ 100 जूल एनर्जी वो यूज कर लेता है एक सेकेंड में। तो अब अगर आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम चाहिए तो आप क्या कर दोगे, पावर इंटू क्या कर दोगे, टाइम। और एक बार हमारे पास टोटल टाइम आ गया, टोटल एनर्जी आ गई, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स। जो हमारे पास मीटर होता है घरों में लगा होता है उसमें क्या होते हैं, यूनिट्स चलते रहते हैं। तो बेसिकली एक यूनिट बना दी गई है जिसको कि वो चार्ज करते हैं, ठीक है ना, जिसके पैसे लेते हैं। तो बोला गया है कि अगर आपके घर में 36 × 10^5 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो उसे मीटर रीड कर लेता है एक यूनिट, और एक यूनिट का कॉस्ट जगह जगह पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका कॉस्ट होगा, टोटल बिल का कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है। समझ पा रहे हो, एकदम बेसिक है। सबसे पहले आपको निकालना होगा आपके घर में टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई, फिर आपको पता है कि एक यूनिट का मतलब होता है इतनी एनर्जी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे कितनी टोटल एनर्जी यूज की गई है, एनर्जी यूज्ड अपॉन 36 × 10^5। इससे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक बार नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए तो एक यूनिट की कीमत अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की मिल जाएगी। क्या समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दिया है कि मान लो हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, तो बताओ वो 10 घंटे में कितने का बिल बना देगा, ठीक है ना, अगर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए। ठीक, कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो आप जानते हो क्या कि पावर आपको दी हुई है कितनी, 100 वॉट, इसका मतलब क्या हो गया, 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा है एक सेकंड में। तो 10 आर में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक सेकंड की एनर्जी इंटू एक मिनट की एनर्जी इंटू एक घंटे की एनर्जी और इंटू 10 घंटे की एनर्जी, ये हो गई टोटल एनर्जी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बता सकते हो, यूनिट्स आपके पास कितना रहेंगे, 36 × 10^5 हो गया है, अपॉन किससे डिवाइड करना होता है, 36 × 10^5 से ही डिवाइड करना होता है, तो एक यूनिट आया। अब एक यूनिट की कॉस्ट आपको पता है 10 रुपए है, तो आपका बिल कितना आ गया, 10 रुपए आपका बिल आ गया। समझ आई बात, इस तरह से आप बिल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बताना है आपको हीटर के लिए जो 500 वॉट रेटिंग है जिसकी, उसे हम 10 घंटे यूज कर रहे हैं और यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपए, बताओ, ठीक है ना। तो सिंपली आपके पास रेटेड पावर आपको दी हुई है, पावर कितनी है देख सकते हैं हम, पावर हमें दी हुई है 500 वॉट। 500 वॉट का मतलब हो गया 500 जूल एनर्जी यूज हो रही है एक सेकेंड में। तो आपको तो बताना है कितनी देर में, 5 घंटे में, ठीक है ना, सॉरी 10 घंटे में। तो टोटल एनर्जी यूज जो होगी वो हो जाएगी 500 इंटू एक मिनट के लिए 60, एक आवर के लिए इंटू 60 और 10 घंटे के लिए इंटू 10। यूनिट्स बता सकते हो आप, यूनिट्स कितने हो जाएंगे, ये हो गया 36,000 × 500 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, 36 × 10^5 से। समझ आ रही बात, ये कितने यूनिट्स हो गए, 5 यूनिट्स। तो सिंपली आपका बिल आ जाएगा यहां से,
बिल हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स 5 इंटू यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए, 25 रुपीज। ठीक, कई क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। चाहो तो एक और कर सकते हैं। एक रूम है जिसमें 3 फैन है, 4 ट्यूबलाइट है, 1 AC है, 2 TV है। ठीक है, रूम को ऑपरेट किया जा रहा है 5 घंटे पर डे, ठीक है ना, और पावर रेटिंग आपको दी हुई है, तो आपको बिल बताना है पर मंथ कितना आएगा, बता दो सर। ठीक है, तो हम तो पर सेकंड टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एनर्जी 1 सेकंड में कितनी यूज होगी। तो पहले तो 3 फैन है, 1 सेकंड में 100 जूल एक फैन यूज करता है, तो उसके तो कितने हो गए 300, प्लस टीवी कितनी है 2 TV है, 500 जूल एक टीवी यूज करती है यानी 1000 जूल, तो टीवी ने ले लिया, प्लस एसी 2000, कितने एसी है, एक ही एसी है, अच्छी बात है, 2000 उसने ले लिया, और बचा क्या, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कितनी है हमारे पास, 4 ट्यूबलाइट्स, एक ट्यूबलाइट लेती है 40 वॉट, ठीक है, तो वो हो गए 160 वॉट। तो ये एनर्जी यूज होती है 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में इतने जूल एनर्जी यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी पूरे मंथ के लिए अगर हम लिखें, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी ये, तो टोटल कितना हो चुका है, ये हो गया 3000, 3300, 3460 जूल 1 सेकंड में था, 1 मिनट में इंटू 60 कर दिया, 1 घंटे में इंटू 60 कर दिया, और हर दिन 5 घंटे वो चल रहा है, और ऐसा चलेगा कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी जूल। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं। यूनिट्स सिंपली क्या हो जाएंगे, 3460 इंटू 3600 इंटू 150 अपॉन 36 इंटू 10 रेस टू पावर 5। और आप अगर बिल निकालना चाहो तो यहां से बिल मिल जाएगा हमें कितना, सिर्फ यूनिट कॉस्ट से हमें मल्टीप्लाई करना है जो कि 10 रुपए, तो 10 इंटू 3460 इंटू 3600 इंटू 150 अपॉन 36 इंटू 10 रेस टू पावर 5, सही है, 5190 रुपए, ठीक है ना भाई।